आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 10 मार्च को तृणमूल कांग्रेस कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में जनगर्जन रैली करने जा रही है। इसी सिलसिले में आसनसोल के बनपुर बस स्टैंड के पास तृणमूल कांग्रेस की सभा हुई। इस सभा के जरिए ब्रिगेड में 10 मार्च को आयोजित जनगर्जन रैली को सफल बनाने की अपील की गई। आगामी आसनसोल लोकसभा चुनाव से पहले 10 मार्च को तृणमूल कांग्रेस कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में बड़ी रैली करने जा रही है। इसे जनगर्जन रैली का नाम दिया गया है और अभी से ही तृणमूल कांग्रेस ब्रिगेड रैली की तैयारियों में जुट गई है। इसी सिलसिले में आसनसोल के बर्णपुर बस स्टैंड के पास तृणमूल कांग्रेस के तरफ से सभा की गई। इस सभा के जरिए ब्रिगेड में 10 मार्च को आयोजित जनगर्जन रैली को सफल बनाने की अपील की गई। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे ब्रिगेड रैली का जोर शोर से प्रचार करें। बैनर, पोस्टर और दीवार लेखन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी व्यापक रूप से प्रचार करें। सभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव विश्वदासन दासु ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के दिशा निर्देश पर 10 मार्च को ब्रिगेड में होने वाली जनगर्जन रैली ऐतिहासिक होगी। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं को ब्रिगेड की जनगर्जन रैली से संदेश देंगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया तय है। অনেক আজকে বলেছিল আমি আসানসোল রুরালের জন্য আর আসানসোল টাউনের জন্য আমি 130টা ব্যানার দেবো, যার মধ্যে 80টা ব্যানার আমি আসানসোল সাউথের জন্য দেবো, বাকি যে আছে আসানসোল রুরালের জন্য দেবো। তো এইরকম আরো কিছু ব্যানার যে যে কাউন্সিলর আছেন, যে নিযুক্ত আছেন, যে সাগরের প্রেসিডেন্ট আছেন, ওরা ভি নিজে করতে পারে, নিজে আপনাদের জায়গাতে আপনি টানতে পারে ব্যানার করে। বাকি যে নিযুক্ত আছেন উনি নিজে এরিয়াতে ব্যানার করে টানতে পারে। প্রত্যেক দিন এ মাত্র দেখুন 10-12 দিন হাতে আছে, 10 দিনে করুন, এই 10 দিনের মধ্যে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। আপনার প্রত্যেক ওয়ার্ডে আগে আপনার 10টা বুথ, ম্যাক্সিমাম 8 বুথ থেকে বেশি আছে, 10টা দিন, এর দুটো ওয়ার্ড আছে যে 10-11 বুথ হতে পারে, 12টা বুথ হতে পারে, বাকি সব তো 8টা বুথ 9টা বুথ আছে। তো হাতে সময় আছে, আগামী কাল থেকে বিকেলে সময় আপনারা একটু ব্যানার হাতে লিখে প্রত্যেক পাঠে, প্রত্যেক পাঠ বলে তো প্রত্যেক বুথে আপনারা একটু জুলুস করুন। জুলুসে তো 50 লোক হবে কাফি আছে, 100 লোক হবে কাফি আছে, এই জুলুসে 500 লোক হওয়ার দরকার নেই, বুথে জুলুস আছে। ও বুথে জুলুস আপনাকে স্লোগান দিতে হবে, তৃণমূলের নামে স্লোগান দিতে হবে, নেত্রীর নামে স্লোগান দিতে হবে, নেতার নামে স্লোগান দিতে হবে। আর আপনারা যে যে শাখা সংগঠন কি আপনারা প্রতিনিধিত্ব করছেন, ওই শাখা সংগঠনের নামে আপনারা একটি স্লোগান করতে হবে। इस सभा में पूर्व विधायक सोहराब अली, तृणमूल कांग्रेस के जिला महासचिव मृणाल मुखर्जी, पार्षद अशोक रुद्र, तृणमूल के ब्लॉक अध्यक्ष अनुप माझी, अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोनू, पार्षद रियाज कहकशा, बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। I am Dr. Radhakrishna. I am a gastroenterologist and a liver specialist. So I do visit Durgapur once a month. I stay here for 2 days. So we do different types of procedures pertaining to gastroenterology and liver. So we have a range of evaluations that we do here. We do the routine endoscopy, colonoscopy. Starting from there, we have advanced technologies like nasal endoscopy, liver fibroscan, capsule endoscopy.